जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL का आपने स्वागत है। आज हम इस तरह से सिंगल कलर से दो नंबर के लड्डू गोपाल के लिए सिलाइयों से ये ड्रेस बनाएंगे। इसे मैंने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है इसमें, और इसे स्टोन से डेकोरेट किया है। इसे आप सिंपल भी रख सकते हैं, और इसमें बार का बॉर्डर मैंने ये इस तरह से लूप के रूप में इसका बार का बॉर्डर बनाया है। इसके साथ के हमने ये कैप भी बनाई। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है, और 3 प्लाई की 3 तार वाली ऊन से इसे मैंने बनाया है। ये हमारे 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो चलो मैं ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर 16 फंदे डाल लिए, और इसके अंदर मैंने 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली। तो हमारी एक रो गांठी स्टिच की बन गई, तो ये हमारा ऊपर का बॉर्डर हो गया। अब इसके अंदर अपनी चौली बनाएंगे। तो शुरू में 2 फंदे हम पट्टी के उल्टे बनाते हैं, फिर उनको अपनी तरफ रखेंगे। इस फंदे के ऊपर जाली डालते हुए इस फंदे को सीधा बनाएंगे। एक फंदा हमारा एक फंदे के जाली बन गई, फिर वापस से अपनी उनको इधर करेंगे। जाली डालते हुए 2 फंदे हम बाजू के सीधे बनाएंगे। एक, हमारे एक फंदे के दोनों तरफ जाली बन गई, 2 फंदे बाजू की बन गए। अब इस फंदे के दोनों तरफ जाली बनाएंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे। जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे। जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के 4 फंदे हम सीधे बनाते हैं। हमारी एक बाजू बन गई, एक पीछे का पार्ट बन गया। अब वापस से इस फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे। जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा, फिर दूसरी जाली डालते हुए दूसरी बाजू के 2 फंदे सीधे बनाते हैं। फिर इस फंदे के दोनों तरफ जाली डालेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे 1 जाली। अब उनको पीछे ही रहने देंगे, आगे के 2 फंदे हमारे पट्टी के उल्टे बनेंगे। तो हमारी ये पीछे की तरफ से भी ये जाली बनती है। उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। जाली वाले फंदे को इस तरह से अपनी सिलाई में लेके, क्योंकि हमारी उल्टी तरफ से जाली बनी थी, सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। अब इसकी वापस हम सीधी तरफ आ गए। एक बार हमने जाली डाल ली है, अब इसमें 2 बार जाली उड़ा लेंगे। तो एक बार और बताती हूँ मैं आपको। शुरू के पट्टी के 2 फंदे में उल्टे बनोगे। पिछली बार हमने यहीं से जाली डाल दी थी, इस बार इसमें 1 फंदा हमारा सीधा बनेगा। उसके बाद हमारा जाली वाला फंदा आ गया। जाली के ऊपर जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दूसरी जाली डालते हुए अब बाजू के 4 फंदे सीधे बनेंगे। 1, 2, 3, 4। फिर जाली वाला फंदा आ गया, उनको अपनी तरफ करके जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा बनाएंगे। फिर उनको अपनी तरफ करके जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के 4 फंदे बनाए थे, इस बार हमारे 6 फंदे बनेंगे। बाजू में और पीछे के पार्ट में तो हर जाली के ऊपर 2-2 फंदे बढ़ते हैं, शुरू में हमारा 1 फंदा बढ़ता है। तब यहाँ पे हम दूसरी जाली डालते हुए पीछे के पार्ट के 6 फंदे सीधे बनाते हैं। 5, 6। फिर दूसरी बाजू के बनाएंगे और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे। जाली के ऊपर जाली डालेंगे, दूसरी बाजू की जाली डालते हुए 4 फंदे हम दूसरी बाजू के सीधे बनाएंगे। फिर जाली के ऊपर जाली, दूसरी जाली डालते हुए 1 फंदा सीधा, दोनों उल्टे फंदे पट्टी के उल्टे बनाएंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे। जब हम तीसरी जाली बनाएंगे तो शुरू में 2 फंदे पट्टी के उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली वाले फंदे पे जाली, फिर दूसरी जाली डालते हुए 6 फंदे बाजू के बनाएंगे, फिर जाली वाले फंदे पे जाली, फिर दूसरी जाली डालते हुए 8 फंदे पीछे के पार्ट के बनाएंगे, फिर जाली पे जाली, फिर दूसरी जाली डालते हुए 6 फंदे दूसरी बाजू के, फिर जाली डालते हुए 2 फंदे सीधे पट्टी के, 2 फंदे उल्टे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो ये तीनों सिलाई मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इसके अंदर ये 3 जालियाँ डाल ली हैं, 1, 2, 3, और हमारी सिलाई के अंदर 40 फंदे हो गए। अब इसमें हम तीनों पार्ट डिवाइड करेंगे। इसमें हम तीनों पार्ट डिवाइड करेंगे, दोनों बाजू कटाएंगे। पट्टी के 2 फंदे में उल्टे बनाते,
फिर आगे एक दो तीन फंदे में सीधे बनाते हो, फिर इसके अंदर अपने बाजू कटाएंगे। एक फंदा सीधा बनाया, दूसरा फंदा सीधा बनाया, फिर इस फंदे को इसके ऊपर से हम स्लिप कर देते हैं। एक फंदा घट गया हमारा, फिर इसके ऊपर से इस फंदे को स्लिप कर देते हैं, दो फंदा। इस तरह इसके अंदर हम 10 फंदे कटाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 फंदे कट गए हमारे। एक फंदा तो हमारा ये है, पीछे के पार्ट के 9 फंदे और बना लेंगे तो कुल हमारे 10 फंदे हो जाएंगे। फिर दूसरी बाजू के हम 10 फंदे कटा देंगे और फिर आगे के पार्ट के 5 फंदे बना लेंगे। इस तरह मैं अपनी ये रो कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमारी ये दोनों बाजू बन गई, तीनों पार्ट डिवाइड हो गए। अब हमारी सिलाई के अंदर 20 फंदे, हमारी चोली के अंदर ऊपर 40 फंदे थे, 10-10 फंदे हमने बाजू में घटा दिए, 5-5 फंदे आगे, 10 फंदे पीछे, कुल हमारे 20 फंदे हो। अब इसमें लंबाई के अंदर इसमें 4 से 6 सिलाई निकाल देंगे। ये हमारी दूसरी सिलाई है, सीधी तरफ से सीधी निकलेगी, उल्टी तरफ से हमारी उल्टी सिलाई निकलेगी। इस तरह सभी सिलाइयाँ मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने इसके अंदर ये 6 सिलाइयाँ निकाल ली है, इसे लंबाई तक कंप्लीट कर लिया। आप चाहे तो इसमें 4 सिलाइयाँ भी निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम सभी फंदों को डबल करेंगे। पहला फंदा स्लिप करूँगी, उनको आगे करूँगी जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर उनको आगे करेंगे जाली डालते हुए, सभी फंदों के बीच में जाली डालते हुए अपनी इस रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी निकालेंगे। इससे मेरे सिलाई के अंदर हम 39 फंदे हो गए। पहला फंदा स्लिप करूँगी, आगे इसके अंदर हम 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालेंगे तो दो रो हमारी गांठ स्टिच की बन जाएंगे। तो ये चारों सिलाइयाँ मैं कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने इसके अंदर 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाली हैं, 4 सिलाइयाँ ना निकाल के, तो हमारी एक रो गांठ स्टिच की बनी है। और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाते हैं, सीधी सिलाई में उल्टा नहीं बनाते। हमने फंदे बढ़ाए, फिर उल्टी सिलाई निकाली, फिर 2 उल्टी सिलाई निकाली, वापस से सीधी तरफ आ गए। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर वापस से सभी फंदों के अंदर हम जाली डालते हुए अपने फंदों को बढ़ाएंगे, फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकालेंगे। इससे मैंने उल्टी सिलाई भी निकाल ली है। मिड सिलाई के अंदर 77 फंदे, अब वापस से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालेंगे जो एक रो गांठ स्टिच की बन जाएगी। लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ऊन को आगे करके बीच के सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे, लास्ट वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे। इस तरह इसके अंदर मैंने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाल ली हैं। लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाते हैं सीधी सिलाई में, जिससे हमारी फली रह जाती। तो इसके अंदर हमने 2 बार फंदे बढ़ा लिए, पहली बार फंदे बढ़ाए, उसके बाद 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाली, दोबारा फंदे बढ़ाए, फिर 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकाली। अब इसमें हम 12 फंदे बढ़ाएंगे। पहले फंदे को स्लिप करती हूँ, ऊन को आगे करेंगे, एक 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदों के बाद हमें एक जाली बनानी है, एक 2, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, एक 2, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, एक 1, इस तरह से इसके अंदर हम तीसरी बार फंदे बढ़ाएंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल लेंगे। इसके बाद इसके अंदर अपना डिज़ाइन बनाएंगे। इससे मैंने ये उल्टी सिलाई भी निकाल ली है तीसरी बार फंदे बढ़ा के। अब सीधी तरफ से अपना डिजाइन बनाएंगे, पहला फंदा मैं स्लिप करूँगी, फिर उनको अपनी तरफ करेंगे, फिर हम 5 फंदे स्लिप करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे स्लिप करके
आगे के पांच फंदे हम उल्टे बनाएंगे, तो उनको हम बिल्कुल लूज रखेंगे इस तरह से, अपने इस फंदों को इस तरह से खींच लेंगे, फिर हम उनको इस तरह से फंदों को उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर हमारे फंदों के आगे इस तरह से ये ऊन आ जाता है, फिर आगे हम एक दो तीन चार पाँच फंदे स्लिप करेंगे, फिर उनको इस तरह से खींच लेंगे, सॉरी फंदों को सिलाई में इस तरह से थोड़ा लूज कर लेंगे इस तरह से, फिर इन फंदों आगे के पांच फंदों को हम उल्टा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, तो इस तरह आगे पांच फंदों के आगे हमारे इस तरह से ऊन आ जाता है, ये ऊन हमारा लूज रहना चाहिए नहीं तो हमारी ड्रेस खिंची खिंची हो जाएगी, फिर आगे के पांच फंदे स्लिप करते हैं, दो तीन चार पाँच, फिर फंदों को इस तरह से खींच लेंगे सिलाई पे, फिर आगे के पांच फंदे हम उल्टे बनाते हैं, एक फिर आगे पांच फंदे स्लिप करेंगे, इसी तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनेगा, पांच फंदे स्लिप करने, पांच उल्टे बनाने। तीसरे बनाते इसके लास्ट में आ गई हूँ, लास्ट में मैंने पांच फंदे उल्टे बना लिए, अब लास्ट में मेरे चार फंदे बच गए, तो यहाँ पे इन फंदों को मैं दो का एक कर दूँगी, इस वाले फंदे को मैं दो का एक कर दूँगी, तो हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग ही लास्ट में हमारे सात फंदे हो गए। उल्टी सिलाई पूरी हम उल्टी निकालेंगे, स्लिप किए फंदों को भी हम उल्टा बनाएंगे। इससे मैंने अपनी पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली है, वापस से सीधी तरफ आ गए, जिस तरह से हमने अपनी सीधी सिलाई निकाली थी बिल्कुल सेम उसी तरह से निकलेगी, पहले फंदे को मैं स्लिप करती हूँ, ऊन को आगे करूँगी, पांच फंदे मैं स्लिप करती हूँ, फिर आगे फंदों को इस तरह खींच के पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, तो इस बार हमारी ये फंदों के आगे दूसरी बार ऊन आ जाती है, पांच फंदे मैंने ये उल्टे बना लिए, तो इस तरह से एक रेक दो बार ऊन आ गई, इस तरह से हमारी ये सिलाई निकलेगी, पांच फंदे हमें स्लिप करने हैं, जिस तरह से हमने अपनी पिछली सिलाई की थी उसी तरह से बिल्कुल सेम होगा, पांच फंदे स्लिप करेंगे, फिर उनको अपनी तरफ ही रहने देंगे, पांच फंदे उल्टे बनाएंगे, तो स्लिप किए फंदों के आगे इस तरह से हमारे ऊन आ जाता है, तो हमारे दो बार आ गए ऊन, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी, फिर तीसरी सिलाई में बिल्कुल सेम इसी तरह से डिजाइन बनाएंगे, तो हमारे तीन बार ऊन आ जाएगा, तो ये सभी सिलाइयाँ निकाल के कंप्लीट करती हूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी ये सभी रो कंप्लीट कर ली हैं, और हमारी ये एक दो तीन, तो कुल हमारी ये छः लाइन निकलती है, तो तीन बार हमारे ये ऊन इस तरह से पाँच फंदों के आगे आ जाती है। अब अपना डिजाइन बनाएंगे, पहले फंदे को मैं स्लिप करती हूँ, फिर उनको पीछे ही रखेंगे, अब जो ये हमारे तीन आगे की तरफ ऊन है इनमें वर्क करना है हमें, तो शुरू में हम पांच में से एक दो फंदे तो हम सीधे बना लेंगे, फिर इन तीनों ऊन के नीचे से इस तरह से सिलाई को निकालेंगे, बीच वाले तीसरे फंदे के साथ इनको बना लेंगे और इस तरह से फंदे को छोड़ देंगे, तो तीनों उनके नीचे से हमारा ये फंदा आ गया, इस फंदे को वापस लेंगे, जैसे एक बार फिर से बना देंगे, तो इस तरह से हमारे ये एक बटरफ्लाई सी बन जाती है, फिर आगे के दो फंदे बचे, इस तरह से पांच फंदों के हमारे डिजाइन कंप्लीट हो गए। अब जो पांच फंदे हमारे उल्टे हैं इन्हें भी हम सीधा ही बनाएंगे, दो तीन चार पाँच, फिर वापस से पाँच फंदे सीधे आ गए जिनके आगे हमारा ऊन था, तो शुरू में हम दो फंदे तो सीधे बनाते हैं, फिर तीसरा फंदा बनाएंगे तो नीचे के तीनों उनके नीचे से इस तरह से सिलाई को लेते हैं, अपने इस फंदे को लेते हैं, फंदे को बनाएंगे, फंदे को गिरा देंगे, फिर इन तीनों उनके नीचे से फंदे को निकाल लें, वापस अपनी सिलाई में लेते हैं, इस फंदे को हम वापस बना देते हैं, फिर बचे हुए दो फंदों को हम सीधा बना लेते हैं,
इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बन जाती। अब आगे के पांच फंदे हैं, इन्हें पांच फंदों को सीधा बना लेंगे। जो हमारे उल्टे थे, अब पांच फंदे हमारे डिजाइन के आ गए। इनमें से हम शुरू में दो फंदे तो सीधे बनाते हैं, फिर इन तीनों के नीचे से सिलाई को निकालेंगे, तीसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, फंदा बनाएंगे, फंदे को गिरा देंगे, तीनों ऊन के नीचे से फंदे को निकाल लेंगे, वापस अपनी सिलाई में लेते हैं और इस फंदे को वापस बना देते हैं। इस तरह हमें अपनी डिजाइन कंप्लीट करनी है और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल के मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये दोनों सिलाई निकाल ली है और हमारी ये डिजाइन इस तरह से बन गई। अब इसके हम सीधी तरफ आ गए वापस। अब सीधी तरफ हमारा डिजाइन अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा, बनेगा बिल्कुल सेम ही। तो पहला फंदा मैंने स्लिप किया। अब शुरू में हमने पांच फंदे स्लिप किए थे, ऊन को आगे करके इन पांचों फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। दो, तीन, चार, पांच। फिर आगे के पांच फंदों को हम स्लिप कर देंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर आगे के पांच फंदे उल्टे बना लेंगे हम। अब ऊन हमारा इन पांच फंदों के आगे आ जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पांच। फिर पांच फंदे स्लिप करेंगे। फिर आगे पांच फंदों के आगे ऊन आ जाएगा, पांच फंदे उल्टे बना लेंगे। तीन, चार, पांच। बिल्कुल हमारा डिजाइन बनेगा बिल्कुल सेम, बस अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएगा। छह सिलाइयाँ पहले इस तरह से निकालेंगे तो तीन बार हमारी ऊन आगे आ जाएगी, फिर चौथी सिलाई में से बटरफ्लाई बना दें। तो इसे मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी दूसरी डिजाइन भी कंप्लीट कर ली है। अब यहीं पर अपने घेरे को मैं कंप्लीट करूँगी। अगर आपको बड़ा बनाना है तो इसमें एक डिजाइन और बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम बॉर्डर किसी भी तरह से बना सकते हैं। आप इसमें उल्टी उल्टी सिलाई निकाल के राउंड बॉर्डर भी बना सकते हैं, पत्ती वाला बॉर्डर भी बना सकते हैं। आज हम इसमें अलग तरह का बॉर्डर बनाएंगे। अगर आपको क्रोशिया चलाना आता है तो ये चीज़ क्रोशिया से बना लें, नहीं मैं आपको सिलाई से बता रही हूँ, दोनों तरह से बताऊँगी आपको मैं। इस फंदे को यहीं से बना लेंगे इस तरह से, यहाँ पर आठ से दस बार बना लेंगे, जितना बड़ा आपको बनाना है। दो बार बन गया हमारा, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और दसवें में अगले फंदे के साथ इसे दो का एक कर देंगे या फिर इस फंदे को इसके ऊपर से स्लिप कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एक लूप सा बन जाएगा। ये तो हमने सिलाई से बनाया, अब मैं आपको क्रोशे से बताती हूँ। इसी तरह से बस फिर वापस एक फंदा आ गया, फिर उसको दस बार बना लेंगे, फिर अगले फंदे के साथ उसे दो का एक कर देंगे। अब इसमें बनाएंगे हम, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस। दस बनाने के बाद अगले फंदे में क्रोशिया को डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और यहाँ स्लिप चैन से इस वाली लूप को फिनिश कर देंगे, फंदे को गिरा देंगे। फिर आगे दस बार बनाएंगे, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस। फिर अगले फंदे पे जाएंगे, लूप निकालेंगे, फंदे को गिरा देंगे, स्लिप चैन से इसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से मैं ये लूप बना के अपनी ड्रेस को कंप्लीट करती हूँ। इससे मैंने अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई। अपनी उनको मैंने कट कर दिया है, यहाँ से अब इसकी सिलाई कर देंगे। इसके कैप भी मैंने बना लिए, चार फंदे डाले,
फिर एक उल्टी सिलाई निकाली, फिर सभी फंदों को डबल कर लिया, आठ फंदे, आठ फंदे की फिर तीन सिलाइयाँ उल्टी निकाली, फिर आठ को डबल कर लिया 16। और उसके बाद इसके अंदर मैंने छः सिलाइयाँ और निकाल के सभी फंदों को घटा दिया। अब इस तरह से अपनी कैप की सिलाई कर लेंगे और अपनी ड्रेस की सिलाई करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। इससे मैंने अपनी ड्रेस की सिलाई कर ली और अपनी कैप की सिलाई कर ली, इससे मेरी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अगर आप इसे चाहें तो इस तरह से सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने इस तरह से ये रेड कलर के स्टोन लिए, इन स्टोन को जहाँ जहाँ हमने बटरफ्लाई बनाई थी उसके ऊपर एक एक ये छोटे वाले स्टोन लगाने हैं हमें। ये आपके ऊपर है, आप लगाना चाहें तो लगा लें, सिंपल भी रखते। इस तरह से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिज़ाइन अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।